तुमने अपने और मिस्टर जाप के झगड़े के बारे में अम्मा पापा को नहीं बताया। बहुत परेशान हो जाते हैं। कि तुम्हें सिर्फ वक्ती इत्मीनान दे रहे दुआ, इसके पीछे छुपी हकीकत तुम बेचैन नहीं कर? मैं तुम्हें बहुत खुश देखना चाहता हूं दुआ, बहुत खुश। लेकिन तुम्हें इस कदर खुश और मुतमईन देखकर मुझे हैरत सी हो रही है। इस बात से तो साफ जाहिर है कि मेरे और मुस्तजाब के बीच में झगड़े की जो भी वजह है, तुम्हें उसका इल्म ही नहीं है। इल्म है दाई, मुझे हर बात का इल्म है। इसके बावजूद भी सुनो दाई, हम लोग ऐसे ही होते हैं। हम पर्दों का हुस्न, उसकी खूबसूरती, उनकी बनावट से मुतासर होकर ये ख्याल ही नहीं करते कि पर्दे के पीछे दरीचे का मंजर कैसा होगा। हमारे माँ बाप बेटियों का रिश्ता आने पर ये देखकर खुश हो जाते हैं कि लड़का रिच है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता है, शानदार घर है, उसकी फैमिली नस्ल दर नस्ल खानदानी है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि पर्दे के पीछे दरीचे से नजर आने वाला मंजर क्या है, कहाँ खुलता है, क्या कहता है। दाई, जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था तो तुम सब मिलकर मुझे समझा रहे थे। आज मैं समझा रही हूं तुम्हें, मुझे अपनी आखिरी हद तक इस रिश्ते को निभा लेने दो दाई, प्लीज। यहां बात रिश्तों की नहीं है दुआ। यार तुम समझ ही नहीं रही हो। बस दाई, मैं जानना ही नहीं चाहती। अगर वो सारी दुनिया से जुदा करके मुझे अपना बनाकर रखना चाहता है तो मैं उसकी बन के रहूंगी, अमेरिका ले जाएगा, चली जाऊंगी, सारी जिंदगी मुझे वहां रखेगा, मैं रह लूंगी। हम मशरक की लड़कियां मोहब्बत के हथियार से पिघलकर दरिया बन जाती हैं, और दरिया हमेशा समंदर की तरफ बहता है। मुस्तजाब ही मेरा समंदर है। और रही बात उसकी माजी की, तो वो ठीक ही कहता है, उसको और मेरा हाल और मुस्तकबिल ज्यादा अहम है। माजी तो धुंध में लिपटा फरेबे नजर है। दाई, मैं चाहती हूँ आज के बाद हम इस मौजू पर कोई बात ना करें। तुम मुझे इस मौजू पे पहले बात करने दोगी? उसके बाद तुमने अपने बारे में जो फैसला करना है कर लेना, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। लेकिन सुनो तो मेरी। अच्छा बताओ, क्या बताना है तुम्हें? दुआ, यहाँ बैठी हो बेटा, मैंने पूरा घर देख लिया। मुस्तजाब की कॉल आई थी अभी अमेरिका से, थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल करेगा। अच्छा, मैं उसकी कॉल लेके आती। तुम्हें क्या हो गया, इतना सीरियस मुंह क्यों बनाया हुआ? नहीं, शायद